हेलो विद्यार्थी मित्रों, तुम्हारो स्वागत है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर द्वारा निदान कसोटी कक्षा 10 માટે જે પ્રશ્નપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે એ પ્રશ્નપત્રની આપણે ડિટેલ અને પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન આપણે જોતા જઈશું. તો ટોટલ માર્ક્સ રહેશે 80, ટાઈમ રહેશે 3 કલાકનો અને સબ્જેક્ટ છે મેથ્સ. સેક્શન એ પ્રશ્ન 1 એ જોતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નિમ્નલિખિત કથનો કે લીએ નીચે દીએ ગે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ કા ચયન કીજે. કિસ ચરણ મેં બિંદુ -3 અને 5 કો યામ તલ મેં દર્શાયા જા સકતા હૈ. તો કોણ સા ચરણ હોગા, દ્વિતીય ચરણ હોગા યા તીસરા, તો ક્યાં આયેગા, બી આન્સર આયેગા. यदि x=2, y=3, u =-2 અને v = -3 તો કોણ સા ચરણ હોગા, તો તીસરા ચરણ હોગા. ટ્રાયંગલ ABC મેં AB = 4, BC = 7 હૈ તો ક્યાં હોગા, ઇસકા આન્સર રહેગા સી. સમાંતર ચતુષ્ભુજ કા ક્ષેત્રફળ, ત્રિભુજા કા ક્ષેત્રફળ પી સકેન્દ્રિત વર્તુ મેં ચાપ AB છોટા સા है, दीर्घचाप पर ए और बी है, तो अलावा आर एक अन्य बिंदु है. यदि APB 150 है तो एंगल ARB = क्या होगा. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि निम्नलिखित कथन के सत्य हो. 40 माप के कोण का कोण डैश होगा, तो क्या हो सकता है कोण का कोण, 50 हो सकता है. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृता क्या है, तो व्यास है. 10 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ समबाहु त्रिभुजा का क्षेत्रफल 10 सेमी होता है. प्रथम 4 विषम संख्याओं की मध्य का डैश होती है. ताश के ठीक 52 पत्तों ढेरों में से एक पत्ता चुनने पर उसका राजा होने की संभावना कितनी होगी, 1/13 होगी. जब दोनों संतुलन पासाओं को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासाओं के अंकों का योग 9 होने की संभावना कितनी होगी. निम्नलिखित कथनों को सही या गलत लिखिए. केंद्रों को वृत्त के किसी भी बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है. 0 और 3 बिंदु y अक्ष पर स्थिर है. एक बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की जरूरत होती है. रेखिक युग्म के कोण के प्रत्येक कोण का माप 90 होना चाहिए. अनुरोध के अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए. एक नोटबुक की कीमत एक पेन से दुगनी ही होती है. इस कथन को द्विवचन सुरेख समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए. 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने है. निम्नलिखित प्रक्षणों का बहुलक लिखिए. यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो आंकड़ों के माध्यम में क्या अंतर होगा. यदि PE = 0.37 है तो घटना E क्या ना घटने की प्रतियोगा क्या होगा का समीकरण कारण लिखिए. सूत्रों की सही जोड़ी प्राप्त करें. तो एक अर्धगोला का कुल पृष्ठफल क्षेत्रफल और अर्धगोला का आयतन x - y², तो क्या होगा, x² + y² - 2xy, x² - y² तो क्या होगा, x + y x - y. सरल स्वरूप में लिखना है. x + 1 से विभाजित करना है. 2x + y = 7 लिखना है. पदों की व्याख्या देनी है. समांतर रेखा और रेखाखंड की ABCD एक आयत है. AB = 5 सेमी है और BC = 12 सेमी है. तो विकर्ण BD ज्ञात कीजिए. आकृति में ABCD का एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC और BD इसके विकर्ण है. तो एंगल DBC = 55 डिग्री और BAC = 45 डिग्री, तो BCD ज्ञात कीजिए. यदि एक त्रिभुजा का परिमाण 32 सेमी और भुजाए 8 सेमी और 11 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. यदि एक अंडाकार बेलन की ऊंचाई 14 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेमी² है तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए. एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर
निम्नलिखित आवृत्ति प्राप्त होती है, छाप के लिए 455, कांटा के लिए 545, तो संभावना की गणना कीजिए। यदि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 समीकरण टू 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल निकालिए और k का मान ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए क्या 7 प्लस 3x 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7x का गुणनखंड है। आकृति में ट्रायंगल PQR, QP और PQ की भुजाओं का क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है, तो कोण SPR 135 और कोण PQT 110, तो PQR प्राप्त कीजिए। सेक्शन B के बाद सेक्शन C देखने से पहले, जो आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। एक चतुर्भुजा का कोण अनुपात दिया गया है तो उसको बताना है। आकृति में ओ केंद्र वाला वृत्त दिया गया है तो उसमें भी आपको कोण एडीसी ज्ञात करना है। प्रश्न 20 में आप देखें तो एक आयत बॉक्स की लंबाई दी गई है, तो कितने कागजों की आवश्यकता होगी वो आपको ढूंढना है। यदि शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है तो कपड़े की कुल लागत क्या होगी वो भी आपको फाइंड करनी है। गणित में 20 अंकों की एक परीक्षा में छात्रा द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है, जानकारी का माध्यमिक ज्ञात करना है। दो बच्चों वाले 1500 परिवार को अच्छाधिक रूप से चुना गया और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। बेहतर रतिब ढंग से चुने गए परिवार बताओ। यदि एक त्रिभुज की भुजाई 12 जैम 17 जैम 25 है तो उसका परिणाम 547 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखांक ए बी और सी डी दी गई आकृति में से ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है और बी ओ डी 40 है तो कोण बी ओ ई और सी ओ ई प्राप्त कीजिए। बीजों के 5 व्यंजनों में से प्रत्येक 50 बीजों का चयन करना है तो उसके बारे में कंप्लीटली आपको लिखना है। सेक्शन डी में देखें तो बहुत सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और दिए गए किरण के उद्गम बिंदु 45 का कोण बनाना है, 6 सेमी के रेखाखंड का एक लंब समद्विभाज बनाना है और आपको दो चीज़ सिद्ध करनी है। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखें तो मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है तो जिससे क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है तो उसको आपको कितना बर्बाद होता है वो आपको बताना है। एक बॉक्स में 9.375 मीटर स्क्वायर का रंग का कपड़ा है तो बॉक्स में रंग से रंगा जा सकता है। निम्नलिखित प्रेक्षकों को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों में की माध्यमिका 63 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस जानकारी का माध्यमिक ज्ञात कीजिए करना है। SO2 दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसकी जानकारी के आधार पर आपको उसको अरेंज करना है। तो वैसे ही दूसरी जो टेस्ट है हिंदी में वो भी हमारी चैनल के ऊपर, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।